हेलो फ्रेंड, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, ये है हमारा सेकेंड पार्ट इफ क्लॉज का, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इफ के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो क्या मीनिंग आएगा, यानी इम्प्रोबेबल कंडीशन में, और आई वेस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस के बाद भी पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है और इसका क्या मीनिंग आएगा। तो दोनों बातें आज की क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कंडीशन समझते हैं। सू वांट्स टू गो फॉन पॉल। सू पॉल को फोन लगाना चाहती है, बट सी कांट डू दिस, लेकिन वो ये ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि सी डजेंट नो हिज फोन नंबर, क्योंकि सू को पॉल का फोन नंबर नहीं पता है। तो वो क्या कहेगी, इफ आई न्यू हिज नंबर, यदि मुझे उसका नंबर पता होता, आई वुड फोन हिम, तो मैं उसे फोन लगाती। यही तो मीनिंग होगा। अब यहां पर ये कंडीशन जो बन रही है वो बन रही है इम्प्रोबेबल कंडीशन। इम्प्रोबेबल कंडीशन का मतलब होता है इमेजिंड, यानी कि सू ने ये केवल इमेजिन किया है, बट रियलिटी क्या है कि उसे उसका नंबर नहीं पता है। इसी कंडीशन को कहते हैं इम्प्रोबेबल कंडीशन। और इफ क्लॉज के बारे में मैंने क्लास पहले ली है, आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। वहां पर मैंने बताया था कि इफ क्लॉज की तीन कंडीशन नॉर्मली होती है। एक होती है प्रोबेबल कंडीशन, एक होती है इम्प्रोबेबल कंडीशन, एंड थर्ड होती है इम्पॉसिबल कंडीशन। तो सू कहती है If I knew his number, यदि मुझे उसका नंबर पता होता, तो this tells us, इससे हमें यह पता चलता है कि she doesn't know his number, she imagining, वो क्या कर रही है, वो कल्पना कर रही है इस सिचुएशन को। द रियल सिचुएशन इज दैट, और वास्तविक सिचुएशन क्या है, she doesn't know his number, वास्तविक सिचुएशन है जो उसे उसका नंबर नहीं पता है। तो अब रूल को समझिए, when you are imagining a situation like this, जब आप इस तरह की सिचुएशन को इमेजिन करते हैं तो आपको सेंटेंस कैसे बनाने हैं, इफ के बाद पास्ट में बनाना, यानी इफ के बाद पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। और बट द मीनिंग इज प्रेजेंट नॉट पास्ट, लेकिन ध्यान रहे इसका मीनिंग प्रेजेंट में होता है, पास्ट में नहीं होता है। जैसे टॉम वुड रीड मोर इफ ही हैड मोर टाइम, टॉम ने और ज्यादा पढ़ा होता यदि उसके पास समय होता तो। ले रियलिटी क्या है, ही डजेंट हैव मच टाइम, कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। और देखिए, इफ आई डिडंट वॉन्ट टू गो टू द पार्टी, यदि मैं पार्टी में नहीं जाना चाहता तो आई वुडंट गो, तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन रियलिटी क्या है, इफ के बाद पास्ट इंडेफिनिट लिखा है तो कि मैं जाना चाहता हूं। वी वुडंट हैव एनी मनी, हमारे पास कोई पैसा नहीं होता, इफ वी डिडंट वर्क, यदि हम काम नहीं करें तो। लेकिन रियलिटी क्या है, लेकिन हमने काम किया और हमारे पास पैसा है। इफ यू वर इन माई पोजिशन, यदि तुम मेरी जगह होते, वाट वुड यू डू, तो तुम क्या करते। लेकिन रियलिटी क्या होगी कि तुम मेरे जैसे नहीं हो, या मेरी जगह पर नहीं हो। इट इज अ पिटी यू कांट ड्राइव, ये दुर्भाग्य है कि तुम ड्राइव नहीं कर सकते। इट वुड बी यूजफुल इफ यू कुड, बहुत यूजफुल होता है यदि तुम कर लेते तो, इसका मतलब। लेकिन रियलिटी है कि तुम नहीं कर सकते। तो ये सिचुएशन है यहाँ पर। अब हम देखते हैं, बी यूज द पास्ट इन द सेम वे, इसी तरह से पास्ट का और यूज होता है, किसके बाद, विश के बाद। प्रेजेंट सिंपल है, देखिए आई विश, प्रेजेंट सिंपल, आई विश आई न्यू, यानी पास्ट इंडेफिनिट, आई विश यू वर, तो यानी बी यूज विश टू से, जब हम आई विश यू विश इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं तो इसका मतलब होता है वी रिग्रेट समथिंग, कि हमें किसी चीज का पछतावा है, दैट समथिंग इज नॉट एज वी वुड लाइक इट टू बी, जैसा कि हम चाहते थे वैसा नहीं हो पा रहा, यानी रिग्रेट होता है यहाँ पर, रिग्रेशन समझ में आता है। जैसे आई विश आई न्यू पॉल्स फोन नंबर, लेकिन इसके पहले जो सेंटेंस बन रहे थे वहां पर रिग्रेट नहीं था, याद रखिए। आई विश आई न्यू पॉल्स फोन नंबर, क्लास मेरे पास कॉल का फोन नंबर होता है, यहाँ पर क्या अर्थ है कि आई डोंट नो इट, मुझे उसका नंबर नहीं पता है और मुझे इसका बड़ा दुख है। लेकिन जो पहले सेंटेंस बने थे उसमें क्या, जैसे आई न्यू था, इफ आई न्यू, है ना। तो ये सेंटेंस जो भी हमने यहाँ पर बताए थे, देखिए इफ आई न्यू से जो बन रहे थे ना, यहाँ पर रिग्रेट नहीं था दोस्तों, और यहाँ पर क्या है, रिग्रेट होगा। नेक्स्ट है, डू यू एवर विश यू कुड फ्लाई, क्या तुम कभी इच्छा करते हो कि तुम उड़ सको, लेकिन तुम नहीं उड़ सकते, तो यहाँ पर क्या है, आपको रिग्रेट हो रहा है। इट रेन्स अ लॉट हियर, यहाँ पर बहुत बारिश होती है। आई विश इट डिडंट रेन सो ऑफन, मैं चाहूँगा कि ज़्यादा बारिश ना हो, यानी मुझे इसका बड़ा दुख है।
इट इज़ वेरी क्राउडेड हियर, यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है। आई विज देयर बर एंड सो मैनी पीपल, मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है या क्रास, यहाँ पर इतने सारे लोग ना होते, बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, इसका मुझे क्या है, रिग्रेट हो रहा है। नेक्स्ट है, आई विज आई डिडेंट हैव टू वर्क, क्रास में मुझे काम नहीं करना पड़ता, लेकिन क्या है रियलिटी, मुझे करना पड़ता है और इसका मुझे दुख है, ये अर्थ आता है। आइए देखें, आफ्टर इफ एंड विश, इफ और विश के बाद यू कैन यूज वर इंस्टीड ऑफ वाज, इसका यूज कर सकते हैं, वर का प्रयोग कर सकते, जैसे कहते हैं ना इफ आई वर, आई विश इट वर, इस तरह से सेंटेंस यूज होते हैं। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुडेंट बाय दैट कोट, तो मैं ये कोट नहीं खरीदता, लेकिन मैं तुम्हारी जगह नहीं हूँ, ये भी इमेजिनरी सिचुएशन है, ठीक है ना, पास्ट सब्जेंटिव सिचुएशन है, मूड है ये, पास्ट सब्जेंटिव में मूड इंग्लिश में तीन तरह के होते हैं, इंपरेटिव मूड, इंडिकेटिव मूड एंड सब्जेंटिव मूड, तो ये पास्ट सब्जेंटिव की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, आई वुड गो आउट इफ इट वरंट रेनिंग, है ना, तो यहाँ पर देखिए इफ के बाद क्या है, इट के साथ वरंट। आई विश इट वर पॉसिबल, क्रास ऐसा संभव हो पाता, इस तरह से सेंस आएगा। नेक्स्ट है, वी डू नॉट नॉर्मली यूज वुड इन द इफ पार्ट ऑफ द सेंटेंस आफ्टर विश, जिस सेंटेंस में इफ लगा होता है या विश होता है, उस सेंटेंस में आपको क्या यूज नहीं करना है, वुड का यूज नहीं करना है। इफ आई वर रिच, आप ऐसे नहीं कह सकते इफ आई वुड बी रिच, गलत हो जाएगा, आई वुड हैव याच, आई विश आई हैड समथिंग टू, ये सही है, लेकिन आई वुड विश ये गलत सेंटेंस हो जाएगा, इनमें यूज नहीं होते। चलिए यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। पहला सेंटेंस पहले, इफ आई न्यू हिज नंबर, क्रास मुझे उसका नंबर पता होता, आई वुड फोन हिम, तो मैं उसे फोन लगाता। आई वुडेंट बाई दैट कोट, इफ आई वर यू, मैं तुम्हारी जगह होता तो ये कोट नहीं खरीदता। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, हेल्प से बनाना है। चलिए तो हेल्प से कैसे बनाइए, आई वुड हेल्प यू इफ आई कुड, तो यहाँ पर आई वुड हेल्प, इस तरह से बनाना है। नेक्स्ट है, वी वुड नीड ए कार इफ वी लिव्ड इन द कंट्री, तो ये सेंटेंस हो गया आपका वुड में, और इफ के बाद हो गया पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है, इफ वी हैड द चॉइस, यदि हमारे पास चॉइस होती तो हम क्या करते, वी वुड लिव इन द कंट्री, इस तरह से। नेक्स्ट है, दिस सूप इजेंट वेरी गुड, यह सूप ज़्यादा अच्छा नहीं है, इट वुड बी बेटर, इट यहाँ पर हो जाएगा वुड, सॉरी टेस्ट है, इट वुड टेस्ट बेटर इफ इट वाजंट सो साल्टी। नेक्स्ट है, आई वुडंट माइंड लिविंग इन इंग्लैंड इफ द वेदर वाज बेटर, इफ के बाद पास्ट में। नेक्स्ट, इफ आई वर यू आई वुड नॉट वेट, इस तरह से बनेगा, एंड आई एम गोइंग नाउ, ये हो रहा आई एम गोइंग नाउ प्रेजेंट। नेक्स्ट है, यू आर ऑलवेज टायर्ड, तुम हमेशा थके रहते हो, इफ यू यूज करना है नॉट गो, इफ यू डिड नॉट गो टू बेड सो लेट एवरी नाइट, यू वुड बी टायर्ड ऑल द टाइम, ये एक ही सेंटेंस।